नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। एक बार फिर से स्वागत करती हूं आप सभी का दृष्टिकोण में। कोविड-19 लॉकडाउन 3 अब अंतिम चरण में है, लेकिन लॉकडाउन 4 आने वाला है। इसका मतलब ये है कि हम जिस चर्चा को कंटिन्यू आपके बीच में करते आ रहे हैं, कोविड-19 का साया अभी हमारे सर से हटा नहीं है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इसके भयावह परिणाम हम देख रहे हैं और ये और भी घातक होता जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा उपाय है कि हम सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तो आइए कुछ हम आज विशेषकर चर्चा करने वाले हैं आप सभी के बीच में इस कोविड-19 को लेकर और इसके लक्षणों से लेकर। तो आज इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर सुनील तंवर। आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट हैं और जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं। डॉक्टर सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT सर्जन, जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। डॉक्टर सुनील, कोविड-19 के बारे में जैसा कि आज हम सब जानते हैं, क्योंकि आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है, फिर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप हमें ये बताइए कि आप बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति को कहाँ देखते हैं। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, विगत कुछ समय से, करीब 1-2 महीने से पूरा विश्व जो है पूरी कोरोना वैश्विक महामारी से ग्रसित है और अपना देश भारत देश भी पिछले 40 दिन से इस समस्या से मिलके डॉक्टर्स जो हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस फोर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, सबने मिलके डटकर और आप सबने हमने मिलके मुकाबला किया है। और अगर आप देखा जाए तो कंपेरेटिव पूरे वर्ल्ड के हिसाब से भारत की जो कंडीशन है वो बहुत बेहतर स्थिति में है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोरोना का ENT से क्या संबंध है? ENT सर्जन का इससे एक मैक्सिमम एक्सपोजर होता है वायरस के लिए, क्योंकि ये जो हाई जो वायरस का जो लोड होता है इसके अंदर कोरोना में, वो उसका जो नेजल कैविटी जो नोज होता है अपना और जो सांस का जो एयरवे है उसके अंदर ही मैक्सिमम इसके रिजर्वोयर वायरस रहते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स लगते हैं, लाइक आपको जो है सूखी खांसी है, बिल्कुल ड्राई कॉफ है, सांस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, यानी सांस लेने में दिक्कत आती है, साथ के अंदर हाई ग्रेड फीवर है, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं, जैसा काफी समय से बताया जा रहा है, तो वो कोरोना हो सकता है। और सर, आज की चर्चा का सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कोरोना के पेशेंट्स में एनोसमिया के लक्षण भी पाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप प्लीज एक बार हमें एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताइए। टेस्ट का ऑल्टरेशन है, स्मेल में ऑल्टरेशन है, यानी उसको खुशबू बदबू का पता नहीं लगता, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में एनोसमिया कहते हैं। ये प्रॉब्लम भी है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक 20 से और करीब 50-60% पेशेंट के अंदर ये भी एक प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो सकता है। जरूरी नहीं उस पेशेंट को फीवर हो, जरूरी नहीं उस पेशेंट को सूखी खांसी हो, ये भी एक प्रेजेंटिंग सिम्टम्स हो सकता है। तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर, डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? दूसरा, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको अभी भी यूज में लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल यूज में लेना चाहिए, जैसा अभी आज तक अपन ले रहे हैं। इसके हैंड सैनिटाइजेशन है अपना जो है वो अपने को लेना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली जब अपन नोज का ब्लोविंग करते हैं, जब अपन स्नीजिंग छींकते हैं, जब अपन ठीक है ना, उसके बाद में जो है आपको अपने हैंड को हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। हैंड सैनिटाइजिंग के अंदर आपको अगर सैनिटाइजर है, अगर वॉश है, तो आपको अगर एटलीस्ट 20 सेकेंड वॉश जो बेटर है सैनिटाइजेशन से, ठीक है ना, ये अपने को हैबिट में अपने को डालना चाहिए। दूसरा, अगर आपको कोई खांसी या गला खराब और इस टाइप की आपको प्रॉब्लम है और आप एक एलर्जी के साइनोसाइटिस के कंटिन्यू पेशेंट है, तो इससे बेटर आपको ऑनलाइन अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए और अपनी जो मेडिकेशंस आप जो कंटिन्यू आप पहले से टेबलेट नेचुरल स्प्रे जो भी व्हाटएवर आप ले रहे हैं उनको आप कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए। और ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने के बाद में भी अगर डॉक्टर कहता है नहीं आपको दिखाने की जरूरत है, तो हॉस्पिटल जाएं। एंड अननेसेसरी हॉस्पिटल में एक्सपोजर होना हो सकता है, आपको कोरोना की प्रॉब्लम नहीं है, बट मे बी वहां से भी किसी कारण से आपको हो सकता है। सर,
इम्यूनिटी पावर से संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? इम्यूनिटी जो है आपकी जो है उससे बढ़ाने के लिए भी आपको जो है अपना जो है एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। खान पान के अंदर आपको जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो लेने चाहिए, ग्रीन टी वगैरह लेनी चाहिए, साथ में अपना जो पुराना मेडिकेशंस वगैरह जो चल रहे हैं वो भी आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है जिसकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो वो उन चीज़ों का भी अपने को ध्यान रखना है। साथ में अपने को जो फ्रिज की चीज़ें हैं, जो बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ें, जैसे अभी लॉकडाउन में सबके घर में जो चीज़ें बनती वो कोशिश करके कम से कम अपने को लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है शॉर्ट थ्रोट होता है, एंड शॉर्ट थ्रोट होता है उसके बाद के अंदर जो है वो अपने को गला जब खराब होता है तो 10 तरीके की और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उससे अपने को टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि कहीं कोरोना या इस टाइप की समस्या तो नहीं है। एंड बी कॉशियस अबाउट कि अपने आसपास तो कोई इस टाइप का पेशेंट अगर है तो अपने को और उस चीज के लिए अपने को कॉशियस रहना चाहिए। सो ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, आपको अपना प्रिकॉशन रखना चाहिए, अपना बचाव का रखना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनील, आपने हमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए जरूर बहुत ही काम की रहेंगी और लाभदायक रहेंगी। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि हमने किस तरह से इन सारी बातों को जाना, और बार बार फिर भाई एक बात आपसे कहेंगे कि सुरक्षित रहें और सबसे बड़ी बात सतर्क रहें, क्योंकि जब हम सतर्क रहेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे, और खासकर सतर्क है जयपुर, सतर्क है इंडिया।